Om Namasiddhebhyaha. Om Namasiddhebhyaha. Om Namasiddhebhyaha. Mangalam Bhagavan Viro. Mangalam Gautamo Gani. Mangalam Kundakundaryo. Jainadharmostu Mangalam. Sarva Mangalamangalyam. Sarva Kalyanakaranam. Pradhanam Sarva Dharmanam. Jainam Jayatu Shasanam. Jainam Jayatu Shasanam. Mokshamargasya Netaram. Vetaram Karma Bhuvrutam. Nyataram Vishvatatvanam. Vande Tad Gunalabdhaye. Vande Tad Gunalabdhaye. Aaj hum अहंकार पे थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि अहंकार सबसे गहनतम बात है जो हमारे भावनाओं में, हमारे मन में, हमारे वृत्तियों में, हमारी आदतों में पूरी तरह से बिन गया है। और इसीलिए अहंकार को समझना बहुत जरूरी है। और अहंकार जो है बहुरूपिया है, अनेक अनेक ढंग से, अनेक अनेक रूप से, अनेक प्रकार से हमारे जीवन में आता है और हमें कंट्रोल करता है। तो अहंकार की बातें हम जितनी गहराइयों से समझें उतना हमारे जीवन को सरल, सीधा और सुखी बनाने में बहुत मदद होती है। तो अहंकार के बहुत से पहलू हैं, उसमें से 3-4-5 पहलू हम आज देखने की कोशिश करेंगे। तो एक आदमी था, तो उसने भगवान की बहुत प्रार्थना की, बहुत पूजा अर्चना की, बहुत साल तक उसने तपश्चर्या की। फिर भगवान प्रसन्न हुए, बोले बोलो क्या मांगते हो। तो बोले जो मैं मांगूंगा वो पूरा हो जाए, ऐसा वरदान था। जो भी मैं मांगूंगा वो पूरा हो गया। तो उसने कहा कि ठीक है, मगर एक शर्त है, तुमको जितना मिलेगा उससे डबल बाकी सबको मिले। तो बोला कि चलो अभी क्या करें, भगवान के सामने तो कोई इलाज नहीं है, जो बोला उतना तो एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट कर लिया, चला गया घर। सोचता है अरे ये तो वरदान नहीं हुआ, ये तो शाप हो गया। वरदान कहाँ से हो गया, जो मैं मांगू और बाकी किसी के पास नहीं हो तो ये उसका फायदा है, और मैं मांगू बाकी को डबल मिले तो मेरा तो नुकसान हो गया। फिर भी उसने सोचा चलो टेस्ट कर लेते हैं भाई। तो उसने बोला एक महल हो जाए मेरे घर के सामने। जाके बाहर देखा एक महल था, आजू बाजू देखा तो सबके दो दो महल हो गए। तो छाती पीट के रोने लगा, क्या करे क्या करे। तो आदमी की जो ये होती है अहंकार की, कि मेरे पास हो उससे सुख नहीं है, मेरे पास है और बाकी के पास नहीं इसमें सुख। अहंकार का सुख इसमें है कि बाकी से मैं बड़ा हूं, बाकी से मैं कुछ अलग हूं, बाकी से मैं कुछ मोटा हूं, बाकी से कुछ बड़ा। तो डबल हो रहा है तो बड़ा दुख, तो क्या करे, शाप तो दे दिया। आदमी इसमें तृप्त नहीं कि मेरे पास है, मेरे पास इसमें से कुछ खुशी नहीं है, बाकी लोगों से मेरे पास कुछ ज्यादा है, इसी में अहंकार की तृप्ति होती है।
तो उसने सोचा चलो भगवान ने धोखा दे दिया, हम भी कुछ उसमें निकालेंगे, रास्ता निकालेंगे। तो उसका एक दोस्त आ गया दूसरे दिन सवेरे, शायद लॉयर होगा कुछ होगा। तो उसने बोला तो ऐसे कर, अपने घर के सामने बोल कि दो कुएं हो जाए। उसने बोला हाँ दो कुएं हो जाए, सबके सामने चार कुएं हो गए। तो उसने दोस्त से पूछा इससे क्या फायदा हो गया? अरे रो थोड़ा बोलता हूँ अभी। तो फिर उसने बोला कि आप तो मांग ले कि मेरी आँख एक फुट जाए। तो उसकी एक आँख फुट गई, बाकी सब की दोनों आँखें फुट गई, सब अंधे हो गए। अब अंधे हो गए बाहर निकलते चार चार कुएं, क्या फजीहत उनकी होती है। तो वो अब खुश हो गए, सारे अब अंधे हैं, मैं देख रहा हूँ, सब कुएं में गिर रहे हैं, मैं नहीं गिर रहा। तो अहंकार की ये जड़ है कि मेरे पास कुछ हो और बाकी लोगों के पास ना हो। मैं अच्छा हूँ इसमें कुछ नहीं, मैं अच्छा हूँ और बाकी सब खराब है। तो इस जड़ को पकड़ना चाहिए कि इस प्रकार का अहंकार हमें जो है कि जो कुछ चीज़ें करनी भी नहीं है वो करने में मजबूर कर देता है। तो इसलिए भगवान महावीर ने बहुत सिंपल सॉल्यूशन दे दिया, एकदम परफेक्ट, कि इसको जड़ से मिटा देने के। तो भगवान महावीर ने क्या सूत्र दिया कि जो आप अपने लिए मांगते हो वो सब दूसरों के लिए भी मांगो। तो समझ लो मुझे डायमंड नेकलेस चाहिए, सबको चाहिए, ऑल लेडीज नीड इट एंड इवन टुडे जेंट्स ऑल्सो नीड इट। हाँ, और लेडीज को दोष देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेंट्स भी उतने ही ये है। लेडीज आर ओपन, जेंट्स आर छुपे रुस्तम। तो समझो कि मांग ली और फिर आपने फिर बोला कि सबको एक डायमंड नेकलेस मिल जाए, है ना। भगवान महावीर ने कहा कि जो आपने लिए मांगते हो वो दूसरों के लिए भी मांगो। तो मेरे लिए मैंने डायमंड नेकलेस मांग ली, सबके लिए डायमंड नेकलेस मांग ली, तो क्या हुआ, डायमंड नेकलेस की वैल्यू जीरो हो गई, अपने आप जीरो हो गई। क्योंकि वैल्यू डायमंड नेकलेस की इसमें है कि मेरे पास है और बाकी लोगों के पास नहीं है। तो मेरे लिए मांगी और दूसरों के लिए भी मांगी, तो आपकी इच्छा जो है जड़ से खत्म हो गई, एकदम परफेक्ट रामबाण उपाय जो हम कहते हैं। तो भगवान महावीर ने एक बड़ी सिंपल, अहंकार को आप कैसे जड़ से मिटा दो, कि अपने लिए जो मांगते हो वही सबके लिए मांगो। और उसी सूत्र का दूसरा भाग, जो अपने लिए नहीं मांगते हो, है ना, हम बोलते हैं भाई कोई बीमारी नहीं आ जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए, कुछ वो ना हो जाए, कुछ वो ना हो जाए, है ना। तो जो अपने लिए नहीं मांगते हो वो दूसरों के लिए कभी मत मांगना, नहीं तो झगड़ा होता है। हम क्या बोलते हैं, अरे तेरा तो सत्यानाश हो जाए, तेरा तो ऐसा हो जाए, तेरा तो ऐसा हो जाए, है ना। तो हम दूसरों के लिए हमेशा बुरा मांगते हैं, अपने लिए अच्छा मांगते हैं। तो भगवान महावीर ने कहा जो अपने लिए नहीं मांगते वो दूसरों के लिए भी नहीं मांगना। तो जो मांगते हो वही दूसरों के लिए मांगो, जो अपने लिए नहीं मांगते हो दूसरों के लिए कभी। तो ये सिंपल एक सूत्र भगवान महावीर ने दे दिया है, तो हमारे अहंकार को जड़ से मिटा दिया। लगता है बहुत सिंपल सूत्र, मगर उसको हम तो इसीलिए हमेशा याद रखना है कि अहंकार की ये जड़ मिटने के लिए ये सिंपल सूत्र भगवान महावीर का हमें याद रखना। अहंकार के अनेक पहलू हैं, एक तो है सौंदर्य का, लोग समझते हैं कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, ऐसे हो, लेडीज समझती है बहुत खूबसूरत हूँ, है ना, हर कोई समझता है अपने आप को। तो एक इजरायली स्टोरी है, यहूदी स्टोरी है, कि छोटा बच्चा जब जन्मता है तो सारे लोग सो गए
तो भगवान आके उसके कान में कहता है कि तू दुनिया का सबसे बेहतरीन पर्सन है, तुझसे अच्छा, तुझसे बड़ा, तुझसे होशियार ऐसा दूसरा कोई नहीं। और फिर सब लोग इसी को बिलीव करते हैं जिंदगी में। हर कोई समझता है कि मैं तो कुछ हूं, कोई ऐसे नहीं समझता कि मैं, कोई चपरा से भी काम करता है तो वो भी अकड़ के काम करता है ना, वो भी कहता है मैं कुछ हूं। हर एक का अपना ये होता है कि कुछ भी उसकी पोजीशन हो मगर वो समझता है कि मैं हूं कुछ हूं। तो ऐसे ही सौंदर्य की बात है, तो लोग समझते हैं बहुत सुंदर है, बहुत ही है, तो सनत कुमार जो चक्रवर्ती थे उनकी कहानी बहुत प्रसिद्ध है हमारे शास्त्रों में। तो सनत कुमार चक्रवर्ती बहुत सुंदर थे, कामदेव कहते थे उनके जैसा, तो भगवान बाहुली पहले कामदेव और फिर सनत कुमार चक्रवर्ती कामदेव में आते हैं। तो उनको भी अपने सौंदर्य का बहुत गर्व था। तो एक दिन शाम को कोई मिलने आया उनसे, उन्होंने कहा अरे आप तो बहुत हैंडसम हो, ऐसा सौंदर्य तो कहीं देखा नहीं। तो राजा का अहंकार जाग गया, बोला अभी तुमने क्या देखा, कल राजसभा में आ जाओ, जब मैं राजवस्त्र पहनूंगा, सारे आभूषण पहनूंगा, मेरा क्राउन जो है मुकुट पहनूंगा, राज सिंहासन में बैठूंगा, मेरे चारों ओर सारा नजारा ही नजारा होगा, तब तुम आके मेरे सौंदर्य को। तो ठीक है, वो आदमी दूसरे दिन पहुंच गया। वो आदमी सिद्धिधारी था, उसको कुछ दिया थी तो समझ लेता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। तो 10 बजे राजमहल में पहुंच गया, राजा सिंहासन पर बैठा है। तो उसको पूछता है क्यों आज कैसे लगता हूं मैं, क्योंकि अब सारे वस्त्र पहने हुए, सारे आभूषण हीरे रत्नों से जड़े हुए पड़े, मुकुट इतना एक्सपेंसिव, स्वर्ण मुकुट रत्न मोती जड़े हैं, इतना एक्सपेंसिव सिंहासन सोने का। पूछा अब कैसा लग रहा हूं, उसने कहा अरे राजा तेरा सौंदर्य तो खत्म हो गया, कल तू सुंदर था, आज तेरा सौंदर्य कुछ नहीं है। तो बोले क्यों क्या हुआ, मैं तो वैसे ही दिख रहा हूं, कुछ फर्क नहीं आज। तो बोले नहीं एक कटोरी लेके आओ, कटोरी मंगवाई। तो बोले इसमें आप थूक लो। तो उसने थूका तो उसमें सारे कीड़े ऑल बैक्टीरिया देन एवरीथिंग देयर। उसने कहा राजा तेरे को इतना बहुत गहन बहुत खराब ऐसा रोग हो गया है, तेरा सारा शरीर कुष्ठ रोग से हो गया है, तेरा सौंदर्य तो चला गया, कल तक था आज चला गया। तो जो सौंदर्य है जैसे हम कहते हैं कि स्किन डीप है ना, स्किन डीप है, तो उस सौंदर्य का भी अहंकार रहता है, हमें सबको रहता है। क्यों हम ड्रेस अच्छे पहनते हैं, हमारे लिए नहीं पहनते, हम दूसरों के लिए ड्रेस अच्छे पहनते हैं, दूसरों की आंखों में अच्छे दिखे। लेडीज श्रृंगार क्यों करती है, श्रृंगार क्यों करती है कि दूसरों को अच्छा दिखे, दूसरों के लिए श्रृंगार किया जाता है ना। हम कहते हैं कि जब तक ना पड़े आशिक की नजर श्रृंगार अधूरा रहता है, श्रृंगार आशिक के लिए होता है अपने लिए नहीं होता है। तो जो हम जो भी कर रहे हैं वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं। अहंकारी जब हम बन जाते हैं तो केवल दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, हम अपने लिए नहीं जी रहे,
हम दूसरों के लिए जी रहे हैं। एक फोटोग्राफर था तो उसने अपने संस्करण में लिखा, बहुत अच्छा लिखा उसने, तो बोले बहुत से लोग मेरे यहाँ फोटो लेने आते थे, तो मेरे यहाँ 3-4 प्रकार के फोटो होते थे, तो एक आप जैसे हैं $5, जैसा आप सोचते कि आप हो $10, जैसा लोग सोचते हैं कि आप हो $15, और जैसा आप दिखना चाहते हो $25। तो उसने कहा कि आज तक सब लोगों ने $25 के ही फोटो लिया, किसी ने $5 का फोटो किसी ने नहीं लिया। क्यों? कि दूसरों की नजर में हम कैसे दिख रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। और सारा हमारा बिहेवियर जो होता है, सारा हमारा बर्ताव जो होता है, 90% जो होता है, इस कारण से होता है। सो दूसरे लोग जो है, अदर्स आर डिसाइडिंग हाउ वी आर, हाउ वी बिहेव, व्हाट वी डू, वी आर नॉट डिसाइडिंग। तो अहंकार के इस रूप को भी हमें देखना है कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे लिए कर रहा हूँ, मेरी थिंकिंग से कर रहा हूँ कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। अहंकार की एक छोटी सी बात और देख लेते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप, बहुत से सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। चंद्रेश भाई बहुत लकी है कि व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, ही इज द लकीस्ट पर्सन। तो 2 साल पहले, इस रियल लाइफ सिचुएशन है, तो 2 साल पहले मुझे फोर्सफुली एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया गया, क्योंकि ऐसे किसी आदमी ने कहा कि मैं ना नहीं कर सका, तो मैंने बोला ठीक है ऐड कर दो, बट मैं इनएक्टिव रहूँगा। तो उस ग्रुप में 91 लोग मेरे मुझे पकड़ के आए। तो 2 साल पहले तो बर्थडे के फोटोज आने लगे, तो बर्थडे का फोटो किसी का आया, तो उसकी बीबी का बर्थडे, तो आदमी गुलाब का फूल दे रहा है और फोटो आ गया कि सेलिब्रेटिंग बर्थडे। फिर नेक्स्ट किसी का बर्थडे आया, गुलाब का फूल एक नहीं 3 हो गया, और इसने एक दिया तो उससे तो ज़्यादा करना चाहिए ना, अच्छा तो गुलाब के फूल 3 बन गए, और तीसरा चौथा बर्थडे हो गया, पांचवें बर्थडे में बुके आ गया पूरा। क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप में अभी अननोइंगली एक कॉम्पिटिशन चल रही है, अहंकार चल रहा है कि उसने सेलिब्रेट किया उससे मेरा अच्छा होना चाहिए। तो धीरे धीरे फूल बढ़ते गए, फिर एक और पिक्चर में केक आ गया, फिर केक आ गया, उसके बाद जो आया फोटो केक की साइज फिर बढ़ते गई, उसके और फोटो आए तो केक की आइसिंग वो फिर बढ़िया होती गई, शानदार होती गई, उसमें डेकोरेशन आ गया, उसके कुछ आ गया फैंसी। तो क्या हो रहा है कि एक अहंकार की कंपटीशन लग रही है अननोइंगली, दिस इज अ ग्रुप साइकोलॉजी हो रहा है, मगर मन में होता है कि उससे मैं बड़ा अच्छा होना चाहिए, मेरा जो है अच्छा होना चाहिए। उसके बाद क्या हो गया कि बैकग्राउंड डेकोरेशन बढ़ने लगी, पहले बैकग्राउंड डेकोरेशन कुछ नहीं थी, फिर बैकग्राउंड डेकोरेशन आने लगी, हैप्पी बर्थडे वगैरह लिखा हुआ, और आगे चल के फिर सबके ड्रेस अच्छे होने लगे, जिसको दे रहा है उसका भी ड्रेस एकदम बढ़िया, मेकअप वगैरह सब बना के फोटोजेनिक बोलते हैं ना, फोटोजेनिक हो गया, और जो दे रहा है उसका ड्रेस भी। आगे और जा रहा है बात, फिर घर में बर्थडे सेलिब्रेशन तो कुछ नहीं, फिर होटल में बर्थडे सेलिब्रेशन आ गया कि बर्थडे सेलिब्रेशन इन होटल, तो होटल में लोग जा रहे हैं, और उसके आगे जाके वो फिर हॉलीडे रिसोर्ट, होटल में क्या सेम टाउन में क्या सेलिब्रेट करना है, छोटे लोग करते हैं, हम तो बड़े लोग हैं हॉलीडे रिसोर्ट। सो क्या हो रहा है, एक बर्थडे सेलिब्रेशन 2 साल में कहां से कहां तक चला गया। बात क्या है, अहंकार।
अहंकार के सिवा इसमें कुछ भी नहीं है कि उससे जिसने सेलिब्रेट किया अभी उससे मेरा अच्छा होना चाहिए, उससे बढ़कर होना चाहिए, उससे सब कहे कि हाँ इसने तो अहंकार का ये रूप। ये अभी देखो व्हाट्सएप ग्रुप तो है ना, बट होता है ऐसे, केवल बर्थडे नहीं पूजा के भी फोटो आते हैं, आप देखते जाओ कंपटीशन होती है, इसने ऐसे डेकोरेट किया था, फिर नेक्स्ट पूजा वाले का आता है मंदिर का और अच्छा, और एक का और अच्छा। तो आजकल बहुत बार ऐसे होता है कि पूजा में लोगों का ख्याल फोटो की तरफ, व्हाट्सएप में कैसा फोटो जाएगा इसकी तरफ भी बहुत होता है। पूजा तो रही मगर कैसे दिखेगा दुनिया को, कैसे दिखेगा, यू नो। तो महावीर स्वामी कहते हैं कि ऐसी चीजें हमारा दुख का कारण है, इसमें कहीं कोई सुख नहीं है और इतना वेस्ट ऑफ एनर्जी है। इतने समय में इतनी एनर्जी में हम कितना स्वाध्याय कर सकते थे, हम कितना आत्मकल्याण कर सकते थे, हम अपने आप को कितना बदल सकते थे, कितने अपने कषायों को कम कर सकते थे, मगर अहंकार जो है कि हमें दूसरों का गुलाम बना देता है। तो इसीलिए भगवान महावीर ने और एक बात कही कि मनुष्य जो है बहु चित्तवान, बहुत सुंदर शब्द है, तो बहु चित्तवान मीन्स वी आर मल्टीपल पर्सनैलिटी इन वन। मैं यहां बैठा हूं विनोद, एक पर्सनैलिटी नहीं है मेरे अंदर, 100 मे बी 200 मे बी 1000 पर्सनैलिटीज है, हर एक के अंदर होती है। तो समझो कि आप बॉस के सामने गए, बॉस के सामने एकदम ओबीडियंट, ऑनेस्ट, यू नो, झुक के सॉफ्ट, फिर नौकर के सामने गए लॉयन, है ना, गुर्रा के, ए कितने बार कहा तेरे को अच्छा काम नहीं करेगा तो कल से निकाल देगा हा? और बॉस के सामने यस सर, ओ यस आई विल डू इट सर, व्हाई नॉट जस्ट नाउ, यू आर टेलिंग टुमारो, नो सर बाय इवनिंग आई एम गोइंग टू सिट लेट एंड गोइंग टू फिनिश। अलग हो गया पर्सनैलिटी, यस बीबी के सामने अलग पर्सनैलिटी, बीबी के सामने गए ओ मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुझसे क्या करता हूँ ना, अलग पर्सनैलिटी हो गई है। किसी और के सामने गए, मंदिर में गए, अलग पर्सनैलिटी, मैं कितना धार्मिक हूँ, मैं कितना सब फॉलो करता हूँ, मैं ये महाराष्ट्र के दर्शन करता हूँ, मैं वो ये करता हूँ, इतने उपवास किए, इतने एकाशन किए, इतने ये किए, अलग पर्सनैलिटी are trying to project के how we are better in the crowd। तो जैसी crowd है, cricket की discussion हो रही है, आप चले गए वहाँ, cricket का कुछ पता नहीं है, bat कैसे पकड़नी पता नहीं है, but you are trying to be expert, है ना, कि गवास्कर ने इतने रन मारे थे, है ना, सचिन तेंदुलकर ने देखो ऐसा छक्का मारा था, क्या हो रहा कि we are trying to impress that कि भाई मैं कुछ कम नहीं हूं, आई एम ऑल्सो एक्सपर्ट। सो दिस इज वॉट महावीरा कॉल्स एज अ बहु चित्तवान। ये अहंकार का एक रूप है कि हम अलग अलग रोल्स करते चले जाते हैं, अलग अलग रोल्स करते चले जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाती है। एक तो आप जो है पाखंडी बोलते हैं, पाखंडी बन जाते हो, हाँ 100% पाखंडी बन जाते हो, क्योंकि आप हर जगह जाके कुछ ना कुछ दिखाना चाहते हो जो आप नहीं हो, 100% पाखंडी, हिपोक्रेट, है ना। तो हिपोक्रेसी अपने जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, आप माने या ना माने, आप चाहे या ना चाहे, हिपोक्रेसी बिकम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ।
और धोखा देते देते कई लोग ऐसे हैं कि खुद को ही धोखा देना चालू कर देते हैं, वो खुद समझ लेते हैं कि अरे हाँ मैं तो इतना अच्छा हूँ। तो रियलिटी जो है कि रियलिटी से हम बहुत बहुत दूर चले जाते हैं, और जो आदमी रियलिटी से दूर जाता है तो उसके जिंदगी में दुख ही दुख आ जाते हैं। रियलिटी से जो दूर जाता है, जैसे हम कहते हैं कि मृग मरीचिका है ना, कि डेजर्ट में चले जाते हैं तो देखता है दूर, देखते हैं तो पानी दिखता है। तो एक जो हिरण होता है, हिरण दौड़ते दौड़ते जाता है, दौड़ते जाता है, उसको प्यास लगी है, उधर पानी दिखता है, वो दौड़ता है पानी और आगे जाता है, क्योंकि है नहीं रियली। जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आता है उसके कारण लगता है उधर पानी है। तो हिरण दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, आखिर जाके खत्म हो जाता है। ऐसे ही आदमी जो अहंकारी है वो हिरण की तरह दौड़ रहा है, आगे उसे लगता है कि सुख है, झूठ बोलने से बनावट करने से मेरे को सुख मिलेगा, मगर हिरण के माफिक वो मृग मरीचिका जो है उसके पीछे दौड़ रहा है। तो ये बहुत चित्तवान की जो एक ये होती है उसको हमें कंट्रोल करनी चाहिए, उसकी अवेयरनेस हमें लेनी चाहिए। और इसलिए जैनिज्म कहता है कि दुख अज्ञानता में है। अहंकार कहाँ से पैदा होता है? अज्ञानता के कारण, कि जो चीज़ जैसी है वैसी हम नहीं देखते, सोचते हैं ये झूठ फरेब करके हमें कुछ मिलेगा, मिलता कुछ नहीं है। तो रियलिटी चेक जब हो जाएगी तो रियलिटी चेक नहीं होती, क्योंकि अज्ञान है, हम जो चीज़ जैसी है वैसी नहीं समझते। तो इसलिए अज्ञानता जो है वो रूट कॉज है कि हमें दुख मिलता है, और वही रूट कॉज है हमारे अहंकार का। तो अहंकार की और बात होती है कि जिसकी जो जितना छोटा होता है, तो अहंकार क्यों आता है? बेसिकली अहंकार आने का जो रूट कॉज है, बहुत अच्छा जैनिज्म ने एक्सप्लेन किया है कि हमारे अंदर डीप इनसाइड देर इज अ एम्प्टीनेस, यू नो, हमें लगता है कि हम बहुत छोटे हैं डीप इनसाइड, ओके, वहाँ पे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है हमारा, और उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए बाहर की दुनिया में हम अपना बड़प्पन दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जो अहंकार का रूट कॉज है, क्योंकि हमारे इनर में खालीपन है, वहाँ पे हमें आनंद का अनुभव नहीं, वहाँ पे हमें हमारी शक्ति का अनुभव नहीं, वहाँ पे हमें जो हमारी बाकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ है उसका कोई अनुभव नहीं है, इसीलिए एम्प्टीनेस है वहाँ पे। और उस एम्प्टीनेस का जो बाहर प्रोजेक्शन है, दैट इज़ हमारा अहंकार। तो जो हम नहीं है उसको बाहर दिखाने की हम कोशिश, क्योंकि अंदर कहीं तो खालीपन है। तो जैनिज्म कहता है जैसा ये खालीपन आपका भरते जाएगा, आपको पता चलेगा कि अरे अहंकार की कोई जरूरत नहीं, अहंकार की एब्सोल्युटली कोई जरूरत नहीं है। तो इस बात को हमें देखना है कि अहंकार जो है वो इट इज द इफेक्ट ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन अस, जिसे हम महत्वाकांक्षा भी कहते हैं, है ना, कि ये करना है वो करना है वो करना है वो करना है वो करना है। क्यों? ये महत्वाकांक्षा भी हमारी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का ही अदर डायमेंशन है। जितनी ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे में है, उतनी ज़्यादा अचीवमेंट हम बाहर करना चाहते हैं। तो इस बात को हमें ख्याल रखना है, और इसके लिए भगवान महावीर ने और एक बहुत सुंदर जैनिज्म ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया है, और उसको यदि हम याद रखते हैं तो हमारा अहंकार कंट्रोल में बहुत जल्दी आ सकता है। सूत्र यह है कि एवरीबडी इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड, एवरीबडी, नॉट जस्ट एवरीबडी, एवरीथिंग इज यूनिक। जो घास का
ये होता है वो भी यूनिक है, उसके जैसा दूसरा घास का भी नहीं होता है. सो डिस्टिंक्ट डीएनए हम बोलते हैं ना डीएनए, तो हर एक का डीएनए डिस्टिंक्ट होता है, यूनिक. हम कितना भी चाहे आदिनाथ भगवान फिर से पैदा नहीं होते, फिर दूसरे तीर्थंकर आएंगे, अजितनाथ आएंगे, फिर तीसरे आएंगे संभवनाथ आएंगे, फिर महावीर. 24 तीर्थंकर टोटली डिफरेंट, सेम कभी नहीं आते. एवरी बॉडी इज यूनिक. तो यूनिक होने से क्या होता है? तो जो चीज यूनिक है यू कैनॉट कंपेयर इट विथ एनीथिंग एल्स. कंपेरिजन इज नॉट पॉसिबल बिटवीन टू यूनिक थिंग्स. दो फोर्ड गाड़ी की गाड़ियां ली तो हम कंपेयर कर सकते हैं, ये लाल रंग की है, ये ब्लैक की है, बाकी सेम है ना. एक लेक्सस, एक बीएमडब्ल्यू, एक मर्सिडीज की कंपेरिजन हम कर सकते हैं कि भाई ये फीचर्स है, इसमें ये है, इसमें एक्स्ट्रा है, बट दो यूनिक थिंग है उसकी कभी कंपेरिजन हो सकती नहीं. तो जब दो चीजों की, जो दो हम लोग यूनिक है उसकी कंपेरिजन ही नहीं हो सकती है, तो कंपटीशन का सवाल कहां से आ गया? इट इज स्टुपिडिटी टू डू द कंपटीशन. इट इज स्टुपिडिटी टू डू द कंपेरिजन विथ अदर्स. क्योंकि दो यूनिक चीज है, उसमें कंपैरिजन का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए. मगर क्योंकि हम इस बात को भूल जाते हैं कि आई कैन नॉट बी लाइक एनीबडी एल्स, मैं मेरे जैसा ही हो सकता हूं. और इसीलिए जैनिज्म कहता है कि आत्मस्वरूप जो है, अपना स्वरूप जो है उसको पहचानो. जब तुम अपने आप को पहचानोगे, जानोगे, तो समझ में आएगा कि भाई साहब कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं, कंपटीशन की कोई बात ही नहीं है. आई एम यूनिक, आई कैन नॉट बी लाइक एनीबडी एल्स. तो जो मैडनेस है कंपटीशन की कि उससे मैं अच्छा हूं, उससे अच्छी पोजीशन, अच्छे बैंक बैलेंस, अच्छा घर, अच्छा फर्नीचर, एक्सपेंसिव कार, अच्छे बच्चे, अच्छे ये, अच्छे वो, नथिंग, नो कंपैरिजन, एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन. तो जिस दिन ये हमारे दिलो दिमाग में जाएगा, उस दिन कंपटीशन की मैडनेस हमारे इसमें धीरे धीरे कम होती जाएगी. क्योंकि ऑल दिस थिंग्स आर फ्यूटाइल. इसमें हमारी एनर्जी बर्बाद हो रही है, हमारा दिमाग खराब हो रहा है, हमारे कषाय हो रहे हैं, हमारी अहंकार के कारण सारे पाप हम करते हैं. तो अहंकार को यदि कंट्रोल में कर ले तो अपनी जिंदगी सिंपल हो सकती है, सुखी हो सकती है, और आजू बाजू के लोगों की जिंदगी भी अच्छी हो सकती है. एक अहंकार ही अपने आप को ही दुखी नहीं करता है, वो आजू बाजू के सब लोगों को दुखी करता है. एक अहंकार ही जो है वो अपने आप को दुखी करे तो चलो ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड, भाई तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम जानो, बट इज क्रिएटिंग ट्रबल फॉर एवरीबडी अराउंड, है ना. कोई फैमिली में एक आदमी बहुत ही अहंकारी होता है तो सारे फैमिली वालों का जीना दुभर कर देता है उसके अहंकार के कारण. और ये भूल जाता है कि अहंकार आता है वो केवल अज्ञान के कारण, बाकी कुछ भी नहीं. यदि वो आदमी अपने रूप को समझ ले, वस्तु के स्वरूप को समझ ले, है ना, तो अहंकार आने का सवाल ही नहीं आता. जिस बात पे आप अहंकार कर रहे हो उसकी रियल वैल्यू क्या है जिस दिन समझ में आ जाएगी उसकी. तो अहंकार को कंट्रोल करने का एक और सूत्र जो है कि इमम अनिच्छम, सुंदर सूत्र जैनिज्म ने दिया है कि इमम अनिच्छम, हर वस्तु जो है अनित्य है, बदल रही है, हर क्षण बदल रही है और नष्ट होने वाली है. और पहली बात कि कोई भी वस्तु आपकी नहीं है, जो जीव है वो जीव है,
वो पुद्गल को कंट्रोल नहीं कर सकता। हर वस्तु, हर जो वस्तु है अपने आप में परिपूर्ण है, कोई न उसको बदल सकता है न उस कोई उसकी मालकियत कर सकता है। तो ये दूसरा सूत्र जो है, यदि हम ख्याल में रखें कि भाई जो पुद्गल है वो बदल रहा है, तो हम कहते हैं कि उत्पाद व्यय द्रव्य है ना, एक सूत्र है उत्पाद व्यय द्रव्य। तो जितनी पुद्गल वस्तुएं हैं जो हमारी बॉडी पकड़ गई, हमारी बॉडी भी पुद्गल है, तो ये हर क्षण बदल रही है, उसका द्रव्य जो पर्याय अभी है वो नष्ट हो रहा है और नया पर्याय आ रहा है। जैसे सनत कुमार का हो गया, पहले दिन और हैंडसम, मोस्ट हैंडसम था, नेक्स्ट डे क्या हो गया, सारे रोगों ने पकड़ लिया बॉडी को, खत्म हो गया, पर्याय बदल गया। तो जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा कि जिस वस्तु पे मैं समझता हूं कि ये मेरी मालकियत है, ये वस्तु मेरी है, नहीं भाई साहब, नहीं बहन जी, ऐसा नहीं है, ये केवल संयोग है कि ये वस्तु आपके पास है, केवल संयोग है, ना आप इसके कभी मालिक हो सकते हैं। यदि मालिक होते आप जिस वस्तु के, तो आप मर गए तो आपके साथ सारी वस्तुएं जाती। मौत के बाद, मौत के समय जो छूट जाता है वो आपका कभी नहीं था, संयोग से आपके पास आ गया, पुण्य कर्म से आपके पास आ गया, मगर आपका नहीं था। तो इसलिए जैनिज्म कहते हैं कि वस्तु के स्वरूप को समझो, अपने स्वरूप को समझो, ताकि आपका दुख दूर हो जाएगा, ताकि आपका अज्ञान दूर हो जाएगा। हम अज्ञानतावश समझते हैं कि ये वस्तु मेरी है, मेरी मालकियत है, मेरी कहाँ, जो मौत के साथ निकल गई वो आपकी कभी नहीं थी। ये शान, ये शौकत, ये शोहरत सदा किसी की नहीं, ये शान, ये शौकत, ये शोहरत सदा किसी की नहीं। चराग तो सबके बुझेंगे, चराग तो सबके बुझेंगे, ये हवा किसी की नहीं। तो जो मेरी मालकियत की जो भावना है हमारी, उसको फिर से हमको एनालाइज करना है, फिर से सोचना है कि वस्तु का स्वरूप जो हमें समझ में आ जाएगा कि पुद्गल कभी मेरा हो नहीं सकता, और ये सारी चीज़ें पुद्गल है, केवल संयोगवश ये मेरे पास है, कभी भी जा सकती है, कभी भी नष्ट हो सकती है, ये मेरी कभी थी ही नहीं। तो फिर जो चीज़ मेरी नहीं है उसका अहंकार क्या करे। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि ये संयोगवश मेरे पास है, आई एम ए कस्टोडियन Not the owner. जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि आई एम द कस्टोडियन नॉट द ओनर, तो अहंकार किस बात का। मगर गलती से अज्ञानवश हम समझ सकते हैं कि ये मेरी मालकियत इस वस्तु पर है, तो उसका अहंकार आता है। अनेक वस्तु का अहंकार होता है, लेटेस्ट कार ली, लेटेस्ट वो लिया, कहाँ ट्रिप पे जाके आ गए, इधर हम गए बाली आइलैंड गए, माउंट टिटलस गए, चाइना वॉल देखा, अरे आपने नहीं देखा अभी तक, क्या बोलो, कुछ भी नहीं है हमारे साथ, है ना। सो अहंकार की जो बात होती है, अनेक पहलू अहंकार के होते हैं। दान का भी अहंकार होता है, हमने कल देखा था कि दान का भी अहंकार होता है, त्याग का भी अहंकार होता है। लोग कहते हैं अरे मैंने 10 उपवास किए, आपने कितने, 2 ही, क्या कुछ भी नहीं, है ना। तो ये मत समझो कि धर्म का या नहीं, धर्म का भी अहंकार होता है, त्याग का भी अहंकार होता है। तो अहंकार बाकी चीजों का नहीं, हर चीज जो हमसे जुड़ी है, जो चीज मैं से जुड़ी है, वो हर चीज का अहंकार होता है। और इसीलिए जैनिज्म कहता है कि पहले मैं जो है उसको डिस्कनेक्ट करो सब चीज़ों से। जिस दिन आप मैं को अलग रखो, बाकी सारे चीज़ों को अलग रखने में कामयाब हो जाओ। इसीलिए कायोत्सर्ग की बात है, कायोत्सर्ग इसीलिए कहा है कि इट हेल्प्स यू टू डिस्कनेक्ट
with the worldly things. तो काय स्वर्ग का ये importance है, बहुत important है. काय स्वर्ग की बात है, हम बहुत lightly लेते हैं जैन लोग, but it's the most valuable asset tool given by Jainism to us कि पदार्थों के प्रति जो मुरछा है उसको तोड़ने के लिए कायोत्सर्ग. तो जरूर रोज कायोत्सर्ग करना चाहिए, 5 मिनट हो 7 मिनट हो. वो तो बाकी तो हजारों बेनिफिट उसके है कि आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपके डिटॉक्सिकेशन होते हैं, बाकी सारे वो थोड़े मैंने आपको कायोत्सर्ग के लेक्चर में बताए थे फायदे उसके. तो मगर अहंकार को कंट्रोल करने में भी कायोत्सर्ग का बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इट हेल्प्स यू टू डिस्कनेक्ट. जो मैं है वो मैं से जो चिड़ी जुड़ी चीज़ें हैं वो आपको ये एहसास करा देता है कि मैं अलग है, चीज़ें अलग है. और जिस दिन ये एहसास हो जाएगा तो अहंकार अपने आप टूटते चला जाएगा. जो चीज़ मेरी नहीं उसको मैं क्या अहंकार करूँ, है ना. मेरा नेबर का इतना बड़ा घर है, मैं उसका अहंकार थोड़ी करूँगा, है ना. जो मेरी मुझसे जुड़ी हुई चीज़ है उसी चीज़ का मैं अहंकार करूँगा. तो इसीलिए जो मैं है मैं से उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए तो कायोत्सर्ग ये फर्स्ट स्टेप है. और उसके बाद ध्यान. ध्यान इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. ध्यान जैनिज्म की जो है जान है, इट इज़ द बैकबोन, इट इज़ द कोर ऑफ जैनिज्म. बट अनफॉर्चुनेटली हम जैन लोग भूल गए. जो भी आपको परिवर्तन करने हैं अपने आप में, आपकी आदतों के परिवर्तन, आपके भावनाओं के परिवर्तन, आपके मन के परिवर्तन, सारे केवल ध्यान में हो सकते हैं. अदरवाइज इट इज़ ऑल टेम्पररी. परमानेंट चेंज जो चाहिए आपको वो ध्यान की गहराइयों में जाकर ही आपको करने पड़ेंगे. तो कायोत्सर्ग फर्स्ट स्टेप, नेक्स्ट इज अ ध्यान टू बी एबल टू चेंज यूर सेल्फ परमानेंटली. नहीं तो टेम्पररी हो जाता है. क्रोध किया हमने, मिच्छा में दुख किया, सॉरी सर ऐसे हो गया ऐसे हो गया, एंड नेक्स्ट डे अगेन व्हाट, व्हाई नेक्स्ट डे अगेन 10 मिनट्स के बाद गुस्सा चालू हो गया, है ना. कायसर में क्या करना होता है, कायसर में क्या करना है और ध्यान में क्या करना है. हाँ तो कायसर का आप नहीं दे शायद उस दिन. हाँ परसों मैंने कायसर का पे पूरा लेक्चर दिया था. हाँ तो बाद में डिस्कस करेंगे हम उसको. तो वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो 12 तप दिए हैं उसमें कायसर का लास्ट है, उसके पहले ध्यान है. बट मैंने ये 2 लिए क्योंकि दिस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट. और कायसर का लास्ट दिया है फिर भी वो पहले करना है, और ध्यान लास्ट बट वन दिया है वो कायोत्सर्ग के बाद, क्योंकि कायोत्सर्ग इज ए एंट्री पॉइंट. कायोत्सर्ग में आप रिलैक्स करते हो बॉडी को. तो जैसे हमने कहा कि मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, तो ये कायोत्सर्ग में साधना होता है. और ये साधने के बाद ध्यान हमारा साधता है. तो दिस इज द फर्स्ट. तो इसीलिए मन से तोड़ना है, शरीर से तोड़ना है, विचारों से तोड़ना है, क्योंकि सारा दुख हमारा ये 3 से आता है. मन से आता है, बुद्धि से आता है और शरीर से आता है. ये 3 के पार चले गए तो कोई दुख नहीं. एब्सोल्युटली आप तेजस बॉडी में चले गए, आपको कोई दुख नहीं है. सारे दुख फिजिकल बॉडी और उसके ऊपर जो वचन हमारा यानी कि बुद्धि थिंकिंग और उसके ऊपर मन, ये 3 इस ऑर्डर है. तो मन इज द बॉस. तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. अहंकार को कंट्रोल, सारे कषायों को कंट्रोल करने के लिए ऐसा ही है, मगर स्पेशली अहंकार को कंट्रोल करने के लिए. तो आप मुझे थोड़ा टाइम का ख्याल देना, बिकॉज आई विल बी टॉकिंग अदरवाइज. 8:21, सो वी आर स्टिल 15 मिनट्स, राइट, 15-20 मिनट्स, ओके. सो अहंकार में एक बात होती है कि हम अपने आप को बड़े ताकतवान समझते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे कारण ये हो रहा है, मेरे कारण हो रहा है, मेरे कारण हो रहा है ना. आप देखते हो बहुत सी संस्थाएं होती है
है ना, तो लोग उसको पकड़ के रखते हैं, है ना, छोड़ते नहीं, जो पोस्ट होती है वहाँ पे, है ना, बहुत से इसमें क्या है, अरे नहीं आई वॉन्ट टू बी दिस एंड आई वॉन्ट टू बी दिस आई वॉन्ट टू बी दैट, क्या है अहंकार है कि मेरे बगैर ये संस्था नहीं चल सकती, मैं हूँ इसलिए, झूठा सारा अहंकार। ये दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, आप है इस दुनिया में एग्जिस्टेंस को इसका भी पता नहीं कि आप है यहां, है ना, कितनी लाइफ है हमारे 100 ईयर्स, कंपेयर दैट विद दी पृथ्वी की लाइफ कितनी है, तो हिसाब से कुछ भी नहीं, और पृथ्वी की लाइफ सूरज के हिसाब से कुछ भी नहीं, और सूरज के लाइफ चांद और जो डिस्टेंट स्टार है और गैलेक्सी, गैलेक्सी की लाइफ तो वी ब्लिंक ऑफ आई भी नहीं, अवर लाइफ वो ब्लिंक ऑफ आई भी नहीं, उसमें क्या अंतर है, मगर लोग समझते कि मैं तो है ना। तो एक हाथी जा रहा था, हाथी के ऊपर एक मक्खी बैठी थी, तो जा रहा है हाथी, जा रहा है, जा रहा है, अब मक्खी को जाना था, तो बोले अभी तो हाथी कहाँ जाएगा पता नहीं है, तो फिर मक्खी ने हाथी से बोला, अरे बिग ब्रदर आई एम लिविंग नाउ, आई हैव टू गो, आई एम बिजी, सो टेक केयर ऑफ यू, सो फार आई वॉज प्रोटेक्टिंग यू। सो ऐसी हमारी हालत है मक्खी की तरह, वी आर थिंकिंग कि एलिफेंट इज डिपेंडिंग ऑन अस, कुछ भी नहीं है, नो बडी डिपेंड्स ऑन यू, नथिंग डिपेंड्स ऑन यू, यू केम द थिंग्स वी आर ऑलरेडी रनिंग, वेन यू गो थिंग्स विल कीप रनिंग, मे बी दे विल कीप रनिंग बेटर बिकॉज वन बैड मैन इज गॉन। सो ये रियलिटी चेक जो है हमें खुद को देना चाहिए कि भाई साहब हाथी जाते रहेगा, मक्खी आप हो मत समझना आपके कारण हाथी आपने प्रोटेक्ट कर लिया है। तो अहंकार को रोकने का एक और बढ़िया साधन है, वो है फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। कृतज्ञता वृत्ति जिस आदमी के दिल में है उसका अहंकार कंट्रोल में रहता है। हम बहुत ही अनफॉर्चुनेट, कम नसीबी लोग हैं कि जो हमें मिला वो देखते नहीं, जो नहीं मिला उसके पीछे भाग रहे हैं, जो नहीं मिला उसके पीछे भाग रहे हैं और दुखी हो रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, और जो नहीं मिलने वाला है उसके पीछे और ज्यादा भाग रहे हैं, पता है कि नहीं मिलने वाला है और दुखी हो रहे हैं, जो मिला उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। ह्यूमन नेचर है, माइंड जो हमारा होता है वो माइंड ऐसे फंक्शन करता है कि जैसे ही चीज आपको मिल गई माइंड बोलता है आई डोंट केयर, आई वॉन्ट दिस दिस दिस, तो जो नहीं है आपके पास माइंड उसके पीछे भागता है, जो है उसकी वैल्यू माइंड के लिए जीरो हो गई। तो माइंड के लिए जीरो हो गई तो होने दो, अपने लिए वो वैल्यू हमें रोज याद करनी है। तो स्टार्ट योर डे विथ ए फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, उठ गए आप, तो जब रोज आप रात को सो गए, आपके साथ बहुत सारे लोग सो गए, उसमें से कम 3 million पीपल विल नॉट वेक अप, दे विल डाई। वो सो गए आराम से मगर सवेरे उठेंगे नहीं क्योंकि उनकी आयु कर्म खत्म हो गई। तो फर्स्ट ग्रैटिट्यूड इन द मॉर्निंग शुड बी, अरे यार चलो मेरी जिंदगी तो बाकी है, बाकी 3 million की तरह मैं भी खचक जाता तो क्या होता है ना। सो फर्स्ट थिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, यस। द सेकंड थिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड यू कैन से ओके माय क्लोजेस्ट रिलेटिव दे आर ऑल अलाइव, दैट्स गुड, अ गुड फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, मेरे दोस्त लोग। सो
हमारे क्लोज जो 30-25-30 लोग हैं उन सबको मैं फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड के तैयार कर अच्छा हो गया मेरे घर में आग नहीं लगी लग सकती थी है ना सो गुड आई एम सेफ मेरी हेल्थ अच्छी है सनत कुमार की तरह आज मुझे अचानक कोई बीमारी नहीं होगी भयानक है ना थैंक फॉर दैट थैंक दैट ऑल योर फैमिली मेम्बर्स आर गुड टू लाइफ थैंक योर जॉब इज देयर थैंक योर बिजनेस रनिंग ओके एनीथिंग कैन हैपन टू योर जॉब right lot of people lose their job in a day so there are so many things for which you can be thankful you know itni cheeze hame milti hai we get free oxygen pran vayu hame milta hai na pani milta hai suraj ki kirne milti hai chand tare hai na sare ped hai jharne hai pahad hai humne kya kiya ki ye hame mile kuch bhi nahi kiya You are getting it for free. Have some gratitude for that. And the Jainism kehta hai, metti mein sab bhuesu. Duniya mein sare jitni cheeze hai, uske prati mera maitri bhav prem bhav hai. Kyunki is sari cheezon ka mere upar upkar hai. Ab maane ya na maane, in sari cheezon ka kitna upkar hai. सूरज नहीं होता तो क्या करते हवा नहीं मिलती तो एक मिनट दो मिनट तीन मिनट उससे ज़्यादा तो नहीं योगी है तो ठीक है और थोड़े मिनट पानी नहीं मिलता कितने दिन तक आप रहोगे है ना एक दिन वाटर टैप जाती है पानी नहीं है तो हालत बुरी हो जाती है बी थैंकफुल टू योर गुड रिलेटिव्स बी थैंकफुल योर गुड फ्रेंड्स है ना So there are hundreds of things to be thankful about. और जब ये feeling of gratitude आती है तो ये अहंकार को जैसे हमने counter missile की बात की थी है ना तो ये अहंकार के लिए counter missile है अहंकार को जड़ से तोड़ देती है जहाँ कृतज्ञता है नम्रता है वहाँ अहंकार नहीं बढ़ सकता तो हर चीज जो हमें मिली है इसके प्रति कृतज्ञता भाव व्यक्त करना चाहिए जैसे कि हम खाना खाते हैं सिंपल है तो जैनिज्म ने कहा है हमारे आचार्य ने कहा है कि खाना खाने के समय आपको अच्छी भावना भावनी चाहिए और फिर खाना खाना शुरू करना है तो क्या अच्छी भावना हो सकती है कि एक मैं उदाहरण देता हूँ कैसे तो कहना है कि मैं इस अन्न को अत्यंत प्रसन्नता से शांति और समाधान के साथ ग्रहण करता हूँ खेत में काम करते हुए किसान से लेकर हर वो शख्स जिसने इस अन्न को मुझ तक पहुँचाने में मदद की सबका मैं आभारी हूँ इसमें से एक भी व्यक्ति नहीं काम करता तो यह अन्न आपके पास नहीं पहुंचता जो खेत में किसान काम कर रहा है वहां से लेकर कितने कितने लोगों ने काम किया जाकर यह अन्न आपके पास आया तो खेत में काम करते किसान से लेकर सब लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं याद रखता हूं कि मैं अन्न ग्रहण कर रहा हूं मगर करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जो अभी भूखे हैं उनको कई दिन से खाना नहीं मिला तो मैं अन्न के को किसी भी कण को वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि उससे बहुत बहुत लोगों को खाना मिल सकता है तो आजकल तो बहुत हैबिट हो गई लोगों की कि ऐसे फेंक देते हैं बच्चों को तो बड़ी हैबिट लगा दी है कि हाँ नहीं यू डोंट लाइक एक पिज्ज़ा मंगवाया थोड़ा खाया बाकी फेंक दिया पुराने ज़माने में नहीं था ऐसा कि थाली में जो लिया पूरा खाना पड़ता था नहीं तो पिटाई होती थी घर में क्यों कि यू नीड टू लर्न टू रिस्पेक्ट तो जो कृतज्ञता की बातें हैं वो हमारे डिसिप्लिन में रेगुलरली रहनी चाहिए ताकि वो अहंकार को मार देती तो जो छोटी सी चीज़ है कि फूड बट वी फॉरगॉट दैट कृतज्ञता की
फूट कितना, इसलिए अन्न परब्रह्म कहा है, है ना, अन्न परब्रह्म, कि ये ब्रह्मांड है उसके इतनी वैल्यू का अन्न है। नहीं खाना मिला तो क्या करोगे आप, सोना खाओगे, हीरे खाओगे, फर्नीचर खाओगे, लेक्सस कार खाओगे, आईफोन खाओगे? नहीं, फूड इज द अल्टीमेट वैल्यूएबल थिंग, अन्न परब्रह्मा। तो एक सच्ची कहानी है, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर, तो वो नगर सेठ थे, सबसे रईस हमारे गांव में और सबसे बढ़िया हवेली थी और बहुत ये थी, तो सूखा आ गया ना, ड्रॉट, सो एक साल हो गया सूखा, दूसरे साल भी आया तो लोगों के पास कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने सारा जो अनाज का कोठार था वो खोल दिया सबके लिए और दिन भर जो भी आए उसको एक कटोरी भर के अनाज फ्री में जिसको जितना चाहिए। तो 3 साल ऐसे उन्होंने किया पूरा, और ख़त्म हो गया तो कहीं से मंगा के सबको। तो एक दिन वो मार्केट से जा रहे थे तो रास्ते में कुछ गेहूं के दाने पड़े थे तो उन्होंने झुक के वो उठा लिया, तो लोग आके बोलने लगे, अरे आप क्या कर रहे हो, तो 5-6 तो गेहूं के दाने पड़े हैं, क्या उठा रहे हो, इतने तो आपने बांट दिए। तो बोले, ऐसे नहीं है, ये गेहूं के दाने मेरे दिल के टुकड़े हैं, एक एक गेहूं का दाना जो है अन्न है और इसको रिस्पेक्ट करना हमारा काम है। सो दैट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड वी मस्ट हैव फॉर एवरीथिंग वी यूज, फॉर विच वी आर डन रियली नथिंग, यू नो, वी डोंट डिजर्व बट स्टिल वी गॉट देम, एंड सो वी नीड टू बी हैविंग द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। सो ग्रैटिट्यूड की ये जो फीलिंग है ये हमारे अहंकार को रोकने में बहुत बहुत मदद कर देती है। तो अहंकार से ऐसे बहुत से पहलू हम उसे बात करें तो बहुत और बात पड़ेगी, तो और 10 मिनट है, कर सकते हैं कि वी कैन टॉक अबाउट अनदर 10 मिनट। तो हर कोई जो बहुत बार ये आती है कि भाई कि सो कैन वी नॉट कीप एम्बिशन, है ना, सो व्हाई वी शुड नॉट कीप एम्बिशन, इज एम्बिशन बैड? नो, एम्बिशन इज नॉट बैड, बट इफ एम्बिशन इज बिकॉज ऑफ योर इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, जो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आपके पास है उसके कारण यदि एम्बिशन है तो उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आपको जो मिलेगा फिर आप उससे और ज़्यादा चाहोगे, उससे और ज़्यादा चाहोगे, बट इलाज करना है तो जो हमारी इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है तो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का इलाज हमें करना है। और इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का इलाज, जैसे मैंने कहा कि नो कंपैरिजन, एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन, बिकॉज वी आर यूनिक, और दो यूनिक चीज़ में कंपैरिजन कभी हो नहीं सकती। इस बात को बहुत गहराइयों से हमें डीप इनसाइड आवर सिस्टम डालना पड़ेगा। तो इसलिए इस यो ये जो सारी चीज़ें हैं उसका हमेशा हमें बार बार इसको रिमाइंड करना पड़ेगा। तो जैसे ऑटो सजेशन बोलते हैं मॉडर्न साइंस में, साइकोलॉजी कहती है कि यू कीप गिविंग ऑटो सजेशन सो दैट इट गोज इन योर सबकॉन्शियस माइंड। तो इसीलिए बहुत सी बातें जो है कि अहंकार के कारण जो होता है कि आदमी सारे पाप कर लेता है, कि एक अहंकारी चाहता है कि मैं दूसरों पे मालकियत करूं, ये मेरा अधिकार है कि बाकी सब लोग मेरे गुलाम रहे, गुलाम बन कर रहे। तो एक बड़ी सुंदर कहानी है पुरानी, 2000 साल पहले जब गुलाम बेचे जाते थे, आदमी गुलाम करके बेचे जाते थे, जैसे बगदाद बसरा, वो कहानियाँ बहुत है कि गुलाम बेचे जा रहे हैं। तो एक आदमी जा रहा था तो बहुत
स्ट्रॉन्ग स्वस्थ आदमी था, अपनी मस्ती में जा रहा था। तो 10-12 आदमी थे जो गुलाम लोगों को बना लेते थे और बेच देते थे। तो उन्होंने सारे, ये तो बहुत अच्छा है, बढ़िया गुलाम है, इसको बेचेंगे तो बहुत पैसे मिल जाएंगे। तो सब ने उसको घेर लिया और पकड़ने में थोड़ा डर रहती कि वो मजबूत है, 2-4 लोगों को अगली बस से अगली कर देगा तो मजा। तो उसने सोचा, उसने पूछा, क्या चाहते हो तुम लोग? तो उन्होंने बोला, कुछ नहीं, आपको गुलाम बना के बेचना चाहते हैं, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो बोले, ठीक है, मैं गुलाम बनने को राजी हूँ, मगर मुझे कोई वो हैंडकफ्स वगैरह से कुछ नहीं बोलना, मैं अपनी मर्जी से आ रहा हूँ। तो सारे लोग चकित हो गए, बोले, कैसा आदमी मिल गया, खुद गुलाम बनने को तैयार हो गया। तो बोले, आपको पैसे चाहिए ना? चलो ठीक है। तो जाके चले गए उधर, और फिर वहाँ बोली लगने की थी तो उसको खड़ा कर दिया प्लेटफॉर्म पे। तो वो कुछ कहने से पहले ही एक आदमी कहने लगा कि एक राजा अपनी मर्जी से गुलाम बनने के लिए आया है, कोई खरीदना चाहता है तो खरीद। तो जो ये लोग गुलाम बनाने के लिए आए थे, उससे उसकी मर्जी, वो अपनी मर्जी से आ रहा है तो वो राजा है। तो हम दूसरे को गुलाम बनाने जाओगे तो आप खुद गुलाम बन जाओगे। इस बात को हमें देखना है कि जिस चीज़ को हम पकड़ लेते हैं उसी के हम गुलाम बन जाते हैं। तो अहंकार में इस बात को बहुत हमें देखना है। तो जैसे कि आप एक आदमी को गुलाम बनाना चाहते हो, समझो एक आदमी है और आपने उसको पकड़ लिया और उसको गुलाम बनाना चाहते हो, तो आपको उसको पकड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने छोड़ा वो भाग जाएगा। तो आपने उसको पकड़ा है वैसे उसी ने आपको पकड़ के रखा है। सो यू आर ऑल्सो ए स्लेव इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। आपने जैसे छोड़ा वो भाग जाएगा, तो जब तक उसको पकड़ना है आप भी उसके साथ जकड़े हुए हैं, है ना? जैसे जेल होता है तो जेल में कैदी है, अंदर होते हैं, मगर जो पहरेदार है वो बाहर होता है, फिर भी वो कैदी ही है, क्योंकि वो भी अपने ड्यूटी से कहीं नहीं जा सकता, है ना? वो बंदूक लेके खड़ा है पहरेदार, हम कहते कि भाई ये पहरा दे रहा है, सेंट्री है, मगर वो उतना ही गुलाम है। You are using our computers and printers. Please finish, save, and print your work by closing time. The printing stations turn off automatically at closing. The library will close in 20 minutes. Thank you for using the King County Library System. So, अहंकारी जो चीज़ें पकड़ के रखता है वो ये भूल जाता है कि जितनी उस चीज़ की उसकी मालकियत चीज़ पर है उतनी ही उस चीज़ की मालकियत उस पर है ना? एक आदमी जा रहा था गाय को लेके और रस्सी बांध दिए और रस्सी पकड़ के आगे जा रहा है। तो एक आदमी ने पूछा, भाई साहब ये गाय आपसे बंधी है? अरे हाँ, देखते नहीं, गाय है, रस्सी मेरे हाथ में है, मालिक मैं हूँ, मैं जा रहा हूँ। इतने में कुत्ता आता है, कुत्ता भौ-भौ करता है, तो गाय जो है बिछड़ गई और फटक से उसने झटका मारा, रस्सी छूट के वो गाय दूसरी दिशा में भाग गई, डिफरेंट डायरेक्शन। तो गाय पीछे, ये आदमी गाय के पीछे भाग गया। तो उस आदमी ने पूछा, अरे भाई आप ओनर हो, आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? अरे अरे ठहरो, अभी टाइम नहीं है, मुझे पहले गाय को पकड़ना है। तो गाय को जो रस्सी हमें दिखती है उससे उसने बांध के रखा है, मगर गाय ने उसको अदृश्य रस्सी से बांध के रखा है कि गाय भाग जाएगी तो उसको इसके पीछे। तो जिस चीज को हम मालकियत करते हैं उस चीज की हम पर उतनी ही मालकियत होती है, वो दिखती नहीं हमें, सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। और जैनिज्म यही कहता है कि इस सूक्ष्म बात को देखो,
इस सूक्ष्म बंधन को देखो, केवल स्थूल बंधन में देखोगे तो आप अज्ञानी रहोगे कि ये मेरी मालकियत है। नहीं भाई साहब, वो गाय की भी आपके ऊपर उतनी ही मालकियत है, क्योंकि गाय भाग जाएगी तो आप उसके पीछे आपको भागना पड़ेगा। तो अहंकारी जो होता है ये इस बात को भूल जाता है, सारी चीजें कलेक्ट करके 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 समझता है मैं बहुत बड़ा मालिक हो गया हूं। नहीं भाई, तुम इतने बड़े गुलाम भी हो गए। तो जितनी बड़ी तिजोरी है उतनी बड़ा भय होता है कि कोई लूट न ले, है ना। तो तिजोरी के आप गुलाम हो गए, तो सिक्योरिटी करनी पड़ती है, चेक करना पड़ता है, अरे कहीं कुछ हो गया तो नहीं गया, कहीं सिक्योरिटी वाले तो लूट के नहीं ले जाएंगे। तो जिस चीज पर आपकी मालकियत है वो स्थूल रूप से है, मगर उस चीज की मालकियत आपके ऊपर जो है वो अति सूक्ष्म है, और इस बात को हमें देखना है। तो ये इस बात को यदि भी आप देखोगे तो फिर आप खुद ही अनेक चीज छोड़ देंगे कि भाई क्यों गुलाम बनना है, क्यों इसका गुलाम बनना है, क्यों उस चीज का गुलाम बनना है, क्यों इस चीज का गुलाम बनना है। तो अहंकार के ये अनेक रूप है और बहुत से हम बात कर सकते हैं, मगर आई थिंक वी नीड टू कंक्लूड नाउ। सो अज्ञानता जो है, दिस इज द रूट कॉज ऑफ अहंकार। अज्ञानता किस बात की, कि वस्तु के स्वरूप को हम नहीं जानते, अपने स्वरूप को हम नहीं जानते। गलती से हम समझ लेते हैं कि हम उसके मालिक हो सकते हैं, वो नहीं हो सकते आप। यू आर जस्ट ए कस्टोडियन, इट इज जस्ट ए कोइंसिडेंस कि वो चीज आपके पास है। मौत के साथ जो चीज आपके साथ नहीं आती वो आपकी नहीं है। सिंपल चेक रोज लगा देना है कि मैं मर जाऊं तो साथ ले जा सकता हूं क्या, है ना। इजिप्ट पिरामिड में वो राजाओं ने रखे सारे चीजें, पता है उनको कि मौत के साथ नहीं ले जा सकते, मगर उन्हें एक ख्याल था कि फिर से मैं जिंदा होके आऊंगा तो मुझे जो अच्छी चीजें लगती थी वो सारी वहां उन्होंने रख दी है। तो इस चीज का जो है हमेशा, सो पहली बात, स्थूल रूप से केवल देखना नहीं, सूक्ष्म रूप से भी देखना है। तो इसलिए भगवान महावीर ने कहा है कि बहिरात्मा अंतरात्मा, केवल बहिरात्मा बाह्य स्थूल रूप से देखो तो कंफ्यूजन है सारा। अंतरात्मा में जाके सूक्ष्म रूप से सारी चीजें देखनी है, क्योंकि सारे कंट्रोल वहां पर है, हमारे जिंदगी के सारे कंट्रोल वहां पे है। स्थूल में कुछ भी कंट्रोल नहीं है, स्थूल इज अ शैडो, स्थूल इज अ सिंपली शैडो ऑफ व्हाट इज इन दी यू नो अंतरात्मा। जो सूक्ष्म है दैट इज द रियल कंट्रोल, और उस सूक्ष्म को जानना है, उसको पहचानना है। जैसे उसका ज्ञान होगा हमें समझ में आएगा कि ये पुद्गल है, ये मेरा हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। जो मैं समझता हूँ मेरी मालकियत है उतनी ही मेरी गुलामी है, इक्वल। न्यूटन का लॉ है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है, सो रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट। ऐसे जितनी आपकी मालकियत उस पर है उतनी उस वस्तु की मालकियत आप पर है। इस बात को हम भूल जाते हैं। जब सूक्ष्म से देखें तो पता चल जाएगा कि भाई वी आर कनेक्टेड बाय ए वेरी सूक्ष्म धागा। गाय मेरे से जुड़ी है, मैं गाय से जुड़ा हूँ, गाय मेरे से जुड़ी है बड़ा धागा दिखता है, मैं गाय से जुड़ा हूँ सूक्ष्म धागा नहीं दिखता है, मगर सूक्ष्म अंतरात्मा में जाके देखो तो क्लियर दिख जाएगा। तो इसीलिए अंतरात्मा की बातें भगवान महावीर ने की बड़ी स्पष्ट रूप से, बड़ी क्लियरली बोला है, और इसीलिए दशलक्षण पर्व या परिश्रम पर्व का एक ही उद्देश्य है, केवल एक उद्देश्य है कि हम अंतरात्मा में जाए, हम आत्मशुद्धि के जो मार्ग है उसे समझे, जाने पहचाने और फिर उस पर अमल करें। जो हम क्रिया करते हैं बाह्य,
वो इम्पोर्टेंट है, उसकी डिवेल्यूशन नहीं है, बट दैट इज ओनली ए मीन्स टू अचीव समथिंग गोल. द गोल इज आत्मशुद्धि, अंतरंग में जाके ये सारी चीज़ों को देखना, पहचानना, क्योंकि सारे कंट्रोल वहाँ पे है. यू वॉन्ट टू डू चेंज, वो वहाँ जाके चेंज करने पड़ेंगे, है ना. जैसे आपके घर में लाइट कहीं चला गया तो फ्यूज मास्टर स्विच बॉक्स इज देयर, यू हैव टू गो देयर एंड फिक्स द फ्यूज, है ना. आप उसी रूम में जाके फ्यूज फिक्स करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा. जैसे बुढ़िया की बात हमने की, सुई घर में खो दी हो, सो खोज रही है बाहर, हाँ सूरज में, क्या फायदा है, नहीं मिलेगी. तो इसीलिए जहाँ कंट्रोल्स है, जहाँ से हमारी कषाय आ रही है, जहाँ से हमारी भावनाएं आ रही है, वहाँ जाके कंट्रोल करना पड़ेगा, एट द रूट कॉज, है ना. हम मैनेजमेंट में कहते हैं कि भाई बकवास मत करो, रूट कॉज क्या है बोलो मेरे को, यू हैव टू फिक्स द रूट कॉज, देन ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड. सो दिस इज द गो टू द रूट कॉज, दिस इज व्हाई पर्यूषण इज देयर. परिशन इज देयर फॉर अस टू टेक इन अंतरात्मा. बाह्य क्रियाएं आर हेल्पफुल टू गो देयर, बट वो हेल्पफुल नहीं है तो वेस्ट ऑफ टाइम है. आई मीन वन हैज टू जज. तो अहंकार कहता है कि हाँ, लोग बाह्य क्रिया में क्यों रहते हैं, इट इज इजी. बाह्य क्रिया करने में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता. You don't have to change yourself even a single bit. And you can still do or think that आप धार्मिक हो गए. But अंतरंगे में जाना है तो कष्ट करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हाँ उसको रेमेडी करनी पड़ेगी. वो कठिन है. तो कठिन को हम टाल देते हैं इजी में, है ना. इंस्टेंट नूडल पकड़ लेते हैं, कर लेते हैं. तो इंस्टेंट नूडल की बात जैनिज्म में नहीं चलेगी. इफ़ यू वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट, आपको हिपोक्रेट नहीं बनना है, पाखंडी नहीं बनना है, तो अंतर जगत बाह्य जगत दोनों का बैलेंसिंग करना है. जैनिज्म कभी नहीं कहता कि आप पैसे मत कमाओ, कभी नहीं कहता कि आप अच्छे पोजिशन, अच्छी ये, अच्छे घर, बिल्कुल नहीं. जैनिज्म से यू टेक द बेस्ट इन एवरी फील्ड, एब्सोल्युटली. You make as much money as you want, have the best quality life, but your root should be in Antaratma. This is what we call Nishchay Nay. So, aapke roots Nishchay Nay mein honi hai. If you want the library card or have items to check out, please come to the checkout desk now. If you are using our computers and printers, please note the print release stations turn off automatically at closing. You will need to save and print your work before closing. Please return library laptops. The library and the meeting rooms will close in 10 minutes. Thank you. Right. So इसीलिए जैनिज्म कहता है कि your root should be in निश्चय नय, सूक्ष्म जगत जो हमारा है, जहाँ सत्य को हम सही ढंग से देख सकते हैं, सारे पहलू, केवल स्थूल नहीं. स्थूल में धोखा होता है, स्थूल में यू गेट ओनली वन, कौवा काला है, है ना. बट कौवा में चार पांचों कलर है, हमसे सफेद है, सफेद ही नहीं है, पांचों कलर है. तो सूक्ष्म जाएंगे तो सारी बातें क्लियर दिखेगी, स्थूल में जाएगी तो धोखा हो सकता है, धोखा होता है. तो स्थूल और सूक्ष्म, तो रूट्स इन द सूक्ष्म, बट यू आर गोइंग टू लिव इन स्थूल. तो स्थूल और सूक्ष्म की कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं. बहुत लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि अरे भाई ऐसा करेंगे तो हम जिएंगे कैसे, फिर ऐसे कैसे करेंगे. नहीं, द कॉन्फ्लिक्ट इज बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस. हमने सूक्ष्म को जाना ही नहीं, सूक्ष्म का कोई स्टडी भी किया नहीं, कैसे क्या टूल्स, क्या टेक्निक्स अवेलेबल है, इसको हमने एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया है, तो इसके लिए ये सारी कन्फ्यूजन है. तो दोनों को जब हम बैलेंस कर लेंगे तो नो कन्फ्यूजन, और हमारे दुख कम 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 होते जाएंगे, एंड वी विल बिकम बेटर एंड बेटर पर्सन. सो विद दिस वी क्लोज. ओम राम.
that was very